साल 1922, जून का महीना, अमेरिकी पेटेंट ऑफिस न्यूजर्सी में एक पेटेंट की अर्जी दाखिल होती है। पेटेंट का नाम था स्पिरिट टाइपराइटर। ये क्या देख लियो वाले भाव से अधिकारी ने पेटेंट एप्लीकेशन को पढ़ा। पता चला कि ये एक ऐसा टाइपराइटर था जिसके जरिए आप आत्माओं से बात कर सकते थे। और इस पेटेंट को दाखिल करने वाला एक भारतीय शख्स था, और इस भारतीय शख्स को अमेरिका के अखबारों ने इंडियन एडिसन नाम दे दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 7 अप्रैल है और आज की तारीख का संबंध है एक भारतीय वैज्ञानिक से। 29 अप्रैल 1867 को बॉम्बे में शंकर अंबाजी भिसे का जन्म हुआ। पिता अदालत में मुंसिफ हुआ करते थे, इसलिए उनका सपना था कि बेटा वकालत करे, लेकिन शंकर का मन कहीं और था। एक बार शंकर के हाथ साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन लगी, उसमें एडिसन के बारे में उन्होंने पढ़ा। सपना देखने लगे कि एक दिन एडिसन से मिलेंगे। यहां से शुरू हुई इनोवेशन की एक अनवरत श्रृंखला, जो एक दिन शंकर को अपने आइडल के पास भी ले गई। 14 साल की उम्र में शंकर ने पहली मशीन बनाई। ये एक छोटा सा उपकरण था जो कोयले से गैस निकालने का काम करता था। शंकर ने सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। जब इनोवेशन में उनकी रुचि जागने लगी तो उन्होंने सोचा कि कॉलेज ऑफ साइंस पूना में दाखिला ले लें, लेकिन तब वक्त दूसरा था। पिता अड़ गए कि साइंस लेकर के क्या करोगे, वकालत कर लो, बहुत स्कोप है। स्कोप तो शंकर को दिखा, लेकिन वकालत में नहीं, जादू में। 1889 में बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन था। यहां मूर्ति पर रोशनी डालकर शंकर ने एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाया कि सभासद रह गए। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने शंकर के इस कारनामे में कुछ छाप भी दिया। 1890 में ब्रिटिश साइंस पब्लिकेशन ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, भिसे ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने एक ऑटोमेटिक भार नापने वाली मशीन का डिजाइन सबमिट किया और सभी ब्रिटिश प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर आए। भिसे को इनाम स्वरूप 10 पाउंड मिले। अखबारों ने इस खबर को छापा, साथ ही लिखा कि भिसे को अमेरिका और यूरोप जाने का मौका मिलना चाहिए। 1898 में भिसे ने स्लाइडिंग डोर का कॉन्सेप्ट बनाया और एक साइंस एग्जीबिशन में उसे पेश भी किया। रेलवे ने इसमें रुचि दिखाई, लेकिन साथ में शर्त रख दी कि कोई ब्रिटिश इंजीनियर इसे पहले चेक करेगा, उसके बाद हम काम में लेंगे। भिसे ने तब इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कोई और उनका पेटेंट चुरा लेगा। इसके अलावा भिसे ने एक ऑटोमेटिक स्टेशन इंडिकेटर भी बनाया था, साथ ही कई पेटेंट भी अपने नाम किए दूसरे भी। 1899 के आसपास भिसे को इंग्लैंड जाने का मौका मिला। जाते हुए अपने दोस्तों से बोले कि जब तक एक भी पाउंड मेरे पास होगा, बिना सफल हुए भारत नहीं लौटूंगा। लंदन पहुंचकर भिसे की मुलाकात दादा भाई नेहरू जी से हुई। नेहरू जी ने उन्हें काम करने के लिए एक वर्कशॉप मुहैया कराई। लंदन में रहते हुए भिसे ने सबसे पहले वर्टिस्कोप नाम की एक मशीन बनाई। इसमें एक के बाद एक लगातार कोई इश्तिहार दिखाए जा सकते थे। भिसे इसे लेकर तब के शार्क टैंक में पहुंचे, इसका मतलब इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करने। लेकिन इन्वेस्टर्स ने आई एम आउट का जुमला पकड़ा दिया। कारण ये कि तब लंदन में बग्गियां खूब चलती थी, इसीलिए इस मशीन को यह कहते हुए बैन कर दिया गया कि इससे घोड़े की आंखें चौंधिया सकती हैं। जितनी बग्गियां के घोड़े चल रहे हैं वो चौंधिया जाएंगे, इसलिए मत लगाओ। इसके बाद भिसे ने और भी कई यूनिक पेटेंट्स दर्ज किए। इनमें शामिल थे ऑटोमेटिक टॉयलेट फ्लश, ऑटोमेटिक बाइसिकल स्टैंड, लेकिन सबसे खास था एक प्रिंटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक ऐसी मशीन थी जो प्रति घंटे 1500 से 2000 मेटल के खांचे बना सकती थी, टाइप्स। इन खांचों का उपयोग करके आप प्रिंटिंग प्रेस में किताबें छाप सकते थे, और भिसे की मशीन इस काम को बाकी मशीनों से कहीं तेजी से कर सकती थी। मशीन का नाम रखा गया भिसोटाइप। इस मशीन के बाहर आते भिसे का नाम भारत और इंग्लैंड दोनों में छा गया। मद्रास से लेकर लंदन तक उन्हें भारतीयों ने बुलाकर सम्मानित किया। अब तक भिसे की मदद दादा भाई नेहरू जी कर रहे थे, लेकिन भिसोटाइप के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए डीप पॉकेट्स की जरूरत थी, इसका मतलब खूब सारे पैसे। तब नेहरू जी ने भिसे की मुलाकात करवाई हेनरी हाइनमैन से, जिन्हें फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म के नाम से जाना जाता था। साथ ही हेनरी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कट्टर विरोधी भी थे, भिसे की मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वादा किया कि भिसो टाइप के लिए 15,000 पाउंड की रकम वो जुटा लेंगे, लेकिन फिर मसला बिगड़ गया। 1907 तक हाइनमैन पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। भिसे फिर भी लगातार अपनी मशीन को फाइन ट्यून करने में लगे रहे। अंततः उन्हें वापस लौटना पड़ा, और शिप से भारत लौटते हुए भिसे को एहसास हुआ कि वाकई उनकी जेब में एक भी पाउंड नहीं बचा था। किस्मत को भी लेकिन कुछ और मंजूर था। भारत लौटते हुए शिप में भिसे की मुलाकात हो गई गोपाल कृष्ण गोखले से। गोखले तब कांग्रेस के बड़े नेता थे। भिसे ने गोखले को अपने टाइपकास्ट मशीन के बारे में बताया।
गोखले बहुत इंप्रेस हुए और बॉम्बे पहुंचकर उन्होंने टाटा ग्रुप से कॉन्टैक्ट किया। टाटा से बात लेकिन बनी नहीं। वैसे एक चीज अच्छी भी हुई कि इस चक्कर में भिसे को यूएस जाने का मौका मिल गया। फाइनली अमेरिका जाकर भिसे ने अपनी कंपनी बनाई और भिसे टाइपकास्ट के प्रोडक्शन में लग गए। भिसे का यह प्रोडक्ट कुछ खास सफल हो नहीं पाया, उन्हें बहुत घाटा सहना पड़ा, लेकिन भिसे अपनी कोशिश में लगे रहे और साथ ही और कई आविष्कारों पर काम करते रहे। इसी दौरान उन्होंने स्पिरिट टाइपराइटर नाम की एक मशीन बनाई थी। क्या थी ये? आराम से सुनेंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन तब के हिसाब से इनोवेशन था। वी जा बोट का नाम आपने सुना होगा, कई भूतिया फिल्म्स में दिखाया जाने वाला ये बोट दरअसल भूतों रूहों को बुलाने के काम आता है, ऐसा कहा जाता है। वो जो फिल्में बनती हैं भूतिया, उनमें ऐसा बोलते हैं। बोट में होता है एक ट्रायंगुलर पॉइंटर जिसका नाम होता है प्लानशेट। इसके नीचे लगी होती हैं घिर्रियां, साथ ही बोर्ड में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं और ए से लेकर जेड तक लेटर लिखे रहते हैं। मान लीजिए अगर भूत को ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल का जवाब देना हो तो वो साथ में यस नो भी लिख सकता है। शुरुआत में 2 या 3 लोग प्लानशेट पर उंगली रखते हैं और फिर पूछते हैं एक सवाल। इसके बाद प्लानशेट अपने आप किसी अल्फाबेट तक पहुंच जाता है या किसी संख्या पर या यस नो पर पहुंचता है। इस तरह आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। आपको ऐसा लगता है मशीन जवाब दे रही है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भूत जवाब दे रहा है। कौन बनेगा करोड़पति खेलकर बिना कोई रकम जीते, भूत रफू चक्कर हो जाता है। आज आपको ये बातें मजाक लग सकती हैं लेकिन ये 1920s के अमेरिका की बात हो रही है जब एग्जोरसिज्म जैसी चीज़ों में लोगों का बड़ा विश्वास था। स्यूडो साइंस में बहुत मानते थे वो लोग उस समय, और विश्वास करने का कारण भी था। ओउजा बोर्ड में असल में आपके बिना चाहे उंगली किसी एक जवाब तक पहुंचती है। कम से कम आप चेतन रूप से तो ऐसा नहीं ही करते, फिर भी ये हो जाता है। विश्वास नहीं तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक काम कीजिए, एक धागे से किसी भी भारी चीज को बांधिए, मसलन अंगूठी, कड़ा भी ले सकते हैं। अब हाथ आगे बढ़ाइए और अंगूठी या कड़े को झूलने दीजिए। आपके पास एक पेंडुलम है, हिल रहा है। अब अपने मन ही मन खुद से एक सवाल पूछिए, कोई भी सवाल, जैसे आज मेरा दिन कैसे जाएगा। अब इसके 2 संभव उत्तर लेकर चलते हैं, अच्छा और बुरा। मन ही मन मानिए कि अगर दिन अच्छा जाएगा तो अंगूठी क्लॉकवाइज झूलने लगेगी और अगर बुरा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ये आपने अंदर सेटिंग बनाई। कुछ ही देर मन में ये बात रखिए और देखिए जादू। बिना आपके हिलाए या झुलाए जैसा आपका दिन जाएगा उस हिसाब से अंगूठी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज झूलने लगती है। साइकोलॉजी में इस फिनोमेना को कहते हैं आइडियोमोटर फिनोमेना। अवचेतन मन के वो इंपल्स जिससे हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं बिना ये जाने कि हम ऐसा कर भी रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों और साइकोलॉजिस्ट के लिए बड़ा सवाल होता था कि किसी के बिना चाहे ओउजा बोर्ड जैसी चीजें काम कैसे करती हैं। यकीनन ये वो लोग थे जो भूत आदि बातों पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन जानना चाहते थे कि ओउजा बोर्ड में इस तरह से लोग क्यों रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक शंकर भिसे भी थे जो विज्ञान द्वारा ये जानना चाहते थे कि क्या सच में अवचेतन मन ऐसा करता है या कोई दूसरी बात है। भिसे के बनाए स्पिरिट टाइपराइटर्स में खास बात ये थी कि इसमें अल्फाबेट दिखाई नहीं देते थे बल्कि प्लानशेट के उभारों से कुछ कीज दब जाया करती थी। इससे एक मैसेज टाइप होता लेकिन बोर्ड के नीचे, उसी समय आपको मैसेज नहीं दिखाई देता। इस तरह भिसे देखना चाहते थे कि क्या आपके बिना देखे भी वही मैसेज आता है जो साधारण बोर्ड पर दिखाई देता है, क्योंकि तभी उसको प्रमाण मानेंगे। भिसे की ये मशीन कुछ खास कामयाब लेकिन नहीं हुई, मतलब लोगों ने इसे खरीदा ही नहीं। इसके बाद भिसे ने एक वॉशिंग कंपाउंड बनाया, नाम दिया शेला। वॉशिंग कंपाउंड मतलब डिटर्जेंट टाइप्स, उससे मिलता जुलता और कई गुना मुनाफे में एक अंग्रेजी कंपनी को उसका पेटेंट बेचा। साथ ही उन्होंने एक दवाई भी ईजाद की, बेस लाइन नाम की। यह दवा घावों को सही करने और पानी साफ करने के काम आती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इस दवाई की मांग में बहुत इजाफा हुआ। 1926 में भिसे ने बेस लाइन के राइट्स एक दूसरी कंपनी को बेचे लेकिन साथ ही शर्त रखी कि उन्हें रॉयल्टी मिलती रहे। नई कंपनी ने बेसलाइन का नाम बदलकर एटमिडाइन रख दिया। दरअसल ये कुछ और नहीं, आयोडीन का ही एक प्रकार था। एटमिडाइन ने भिसे की किस्मत बदलकर रख दी। 1927 में ब्लड प्रेशर से लेकर मलेरिया तक के लिए डॉक्टर एटमिडाइन लिख देते थे। खास बात ये थी कि इस दवा का प्रचार किया एक खास इंसान ने, एडगर केसी। तब यूएस में स्लीपिंग प्रॉफिट के नाम से जाने जाते थे जो भविष्यवाणी करने, आत्मा से बात करने आदि का दावा करते थे। यहां तक कि एडिसन और टेस्ला जैसे वैज्ञानिक भी केसी से मिलने जाते थे। केसी ने दावा किया कि एटमिडाइन के उपयोग से साइकिक पावर बढ़ती है। यूएस में तब भूत प्रेत आदि पर विश्वास काफी ज्यादा होता था, इसीलिए केसी के दावे के बाद एटमिडाइन की बिक्री खूब होती है और शंकर अंबाजी भिसे खूब अमीर और लोकप्रिय हो जाते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइको एनालिसिस की मानद डिग्री भी दे डाली।
31 दिसंबर 1930 को उनका बचपन का सपना भी सच हुआ और उनकी मुलाकात थॉमस एल्वा एडिसन से आखिर हो गई। और इसके कुछ साल बाद आज के दिन यानी 7 अप्रैल 1935 को शंकर भिस्से की मृत्यु हुई। विज्ञान और पैरानॉर्मल चीज़ों के अलावा भिस्से को लिखने का भी शौक था। उन्होंने डिप्लोमेटिक दुर्गा और गार्डन ऑफ आगरा जैसी कहानियाँ लिखी। पैरानॉर्मल और ऑकल्ट क्षेत्रों में रुचि के चलते आगे चलकर भिस्से का नाम भुला दिया गया, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि वो आधुनिक भारत के पहले कुछ आविष्कारकों में से एक थे। आज के लिए इतना ही। तारिक के ये एपिसोड आपको कैसा लगा, जो कि कमल ने लिखा है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी मन ने और जिन्होंने एडिट किया है उनका नाम आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखते रहिए दिल ललन टॉक।